अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ गार्लिक पराठा। गार्लिक पराठे के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कोतमीर ले ली हूँ, एक कट्टा पूरा, यहाँ पे एक डल्ला लहसुन का जो दरदरा पीस ली हूँ मोटा मोटा, और यहाँ पे आटे को मैं भिगा के रख ली हूँ। अच्छा घट भिगाना आटा, मैंने इसको अच्छी तरह से घट भिगा के रख लिया। चलिए आपको बताती हूँ बनाने का तरीका। आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे, मैंने भिगा के रखी थी, एक घंटा हो गया। ये यहाँ पे ले ली हूँ बटर। अब इसमें कम या ज़्यादा इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे, जितना होना है उतना ले लेंगे, इतना बटर काफ़ी है। थोड़ा सा रख देंगे, इसको अच्छी तरह से चमचे से मिला लेंगे। इसको पिघलाना नहीं, ऐसे ही चमचे से फोड़ लेंगे इसको। यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें डाल लेंगे गार्लिक, जो यहाँ पहले से ही मैं पीस के रखी थी, इसको मोटा मोटा दरदरा पीस के रख ली थी। इसमें डाल लेंगे गार्लिक। गार्लिक का पराठा है तो इसमें गार्लिक ज़्यादा ही डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे तीन पेड़े बना लिए हमें, इसके तीन चार, छोटा एक बन गया। इसको रख लेंगे एक कटोरे में, बॉल में। इसको अच्छी तरह से बॉल बेल लेंगे, इसको थोड़ी सी खुश्की लगा के इसमें अच्छी तरह से बेल लेंगे। इसको अब लगा लेंगे बटर और गार्लिक पेस्ट, अच्छी तरह से। गार्लिक में नमक डाल के पीसी थी मैं इसमें। इसमें डाल लेंगे कोतमीर, आपके पास अगर हरी प्याज है तो भी आप हरी प्याज भी डाल सकते हैं, कोतमीर अच्छी डालेंगे इसमें। और इसको हाथ से जरा सा दबा देंगे, इसको बीच में से थोड़ा सा ऐसा कट मार लेंगे। अब इसको एक के ऊपर एक रख लेंगे ऐसा, इस तरह से लच्छेदार पराठा हो जाता और बहुत मज़े का भी होता, बहुत अच्छा टेस्टी होता। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैं पेड़ा बना ली हूँ इसको। अब इसको बेल लेंगे, ऐसे ही बेलेंगे, खुश्की नहीं लगाएंगे। हम दूसरे को भी ऐसे ही लगा लेंगे, दूसरे को भी ऐसे ही सेम कर लेंगे। पूरे हो गए रेडी तीन, तीन एक छोटा सा है। अब इसको गोल अच्छा मोटा मोटा बेल लेंगे, पतला नहीं बेलना, अच्छा मोटा मोटा जरा बेल लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं इतना मोटा बेल ली हूँ, ज़्यादा ना मोटा ना बारीक, इसको थोड़ा सा और हाथ से दबा लेंगे इसको। चलिए तवा गर्म हो गया, तवे पे डाल, तवा यहाँ पे देखें तवा थोड़ा सा रफ है, इसको एक टिश्यू पेपर या नहीं तो कपड़े से इसको अच्छा ग्रीस कर लेंगे लो फ्लेम करके। यहाँ पे देखें अच्छा आइली तवा हो गया, अब इसको निकाल लेंगे। अब इस पर डाल लेंगे रोटी, अब ये जलने का डर नहीं रहता, नहीं तो रफ तवा रहा तो एकदम चिपक जाती रोटी डालते खिंच। इसको मैंने पलटा ली हूँ। यहाँ पे आप ऑयल डालना चाहे तो ऑयल डाल सकते हैं, इस पर तेल डालना चाहे तो तेल डाल सकते हैं, नहीं तो बटर, यानी मैं यहाँ पे बटर का ही पूरा बना रही हूँ तो बटर ही डालेंगे इसमें। अब इसको टर्न कर लेंगे। देखिए एक हमारे पास है जो बटर नहीं खाता ना घी खाता, एक बच्चा है हमारे पास ना घी का पसंद करता ना बटर का पसंद, उसको वो सही कैसा क्यों ना। चलिए अब इसको निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए अच्छे लेयर बन गए इसके, फ्लेम को लो कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं दूसरा पराठा डाल रही हूँ इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं आप अच्छी खासी ये लेयर बन गए इसके। ये देखिए आप यहाँ पे अच्छे लच्छेदार लच्छे लच्छे आ गए इसके,
चलिए अब ये दूसरा पराठा बन रहा, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं बटर डाल दूँ इसको, इसको टर्न कर दूँ स्लोली स्लोली, इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको हिला लेंगे, एकदम आप रफ नहीं करना। यहाँ पीछे भी बटर लगा दी मैं, इसको फ्लेम को कर ली लो, हाई पे रखेंगे तो एकदम जल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने तीसरा पराठा डाल दी हूँ, थोड़ा सा उठा लेंगे हाथ से। आटे को कभी भी घट भिगाना, लच्छेदार पराठा और या गार्लिक पराठे को, क्यों बोलते हो गार्लिक में थोड़ी सी चिपटाई होती है, बेलने में बहुत परेशानी होती है, तो इसीलिए आटे को घट भिगाना था। यहाँ पे देखिए दिशा भी पराठा बन गया, यहाँ बटर गार्लिक पराठा बन के तैयार है। आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दुआओं में अतीफा को याद रखिए। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँचे। आप लोग का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। आपके दो सहपाप में मेरी वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई रेसिपी लेके मिलूंगी इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह हाफिज़।